नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। इसी कड़ी में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले चारों विधानसभा क्षेत्र सीट बंटवारे में महाविकास अघाड़ी में शामिल ठाकरे गुट को मिली है, तो वही महाविकास अघाड़ी में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं की ये अपेक्षा थी कि उन्हें कम से कम एक सीट दी जाए, लेकिन कोई सीट न मिलने से कार्यकर्ताओं में असंतोष है। इसे लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही ठाकरे गुट के उम्मीदवार का प्रचार न करने का ऐलान किया है। बता दें कि विधानसभा 2024 में महायुति के घटक दल शिवसेना शिंदे गुट, भाजपा राष्ट्रवादी अजित पवार गुट और रिपाई का सामना महाविकास अघाड़ी के शिवसेना ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट और कांग्रेस से होगा। कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिससे नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में चार विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस को दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन सभी सीटें शिवसेना को मिलने के बाद ठाकरे गुट ने दो सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और बाकी दो सीटों पर जल्द ही घोषणा होने वाली है। इस निर्णय से कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार को कोई सीट न मिलने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन पोटे ने पहले ही निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। अब राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें सहयोगी दलों से पर्याप्त सम्मान नहीं मिला है और उन्होंने ठाकरे गुट के उम्मीदवार का प्रचार न करने का निर्णय लिया है। कार्यकर्ता की डिमांड है कि कल्याण कारपोरेशन से चार एमएलए की सीटें हैं, उसमें से एक तो सीट राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब को चुननी चाहिए थी, उसमें से एक भी सीट शरद चंद्र पवार साहब को नहीं चुनी है। इसका एक प्रमुख कारण ठाणे का बड़ा नेता जितेंद्र आव्हाड, ये भी है मुख्य कारण है, क्योंकि उसको खाली उसकी खुद की सीट की पड़ी है, बाकी किसी सीट की नहीं पड़ी है। और कल्याण में से कल्याण पूर्व में हमारे सब लोग ज्यादा करके डिमांड कर रहे थे कि कल्याण पूर्व राष्ट्रवादी को छूटनी चाहिए, तो वो राष्ट्रवादी को नहीं छूटी। तो हम कल इस पर डिसीजन लेंगे कि महाविकास आघाड़ी के साथ में रहना है नहीं रहना है।